हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। दिस इज मी आविष्कार एंड टुडे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर इन द इंडियन मार्केट, द एथर 450S। सो ये जो स्कूटर है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बिकॉज मैं इसको कुछ 3-4 दिन से टेस्टिंग कर रहा हूँ एंड आई रियली लाइक्ड हाउ इट परफॉर्म्स, हाउ इट मैनेजेस, द अमाउंट ऑफ फीचर्स यू हैव एंड हाउ दिस लुक्स इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो ये जो स्कूटर है ये एथर 450X से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने के लिए मिलेगा आपको इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, परफॉर्मेंस, राइडेबिलिटी एंड एवरीथिंग। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस नए एथर 450S की, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विच यू कैन गेट इन इंडिया। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। सो बिफोर यू डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस न्यू एथर 450S। सो ये काफ़ी सिमिलर देखने के लिए मिलेगी आपको एथर 450X के, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है एंड द चेंजेस इज इन द प्राइस मेनली, बिकॉज ये जो गाड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट में आती है। सो दिस इज द 450S जिसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 1,37,710 रुपीज़ ऑन रोड, एंड जो इसको बना देता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, बिकॉज जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती है उस प्राइस सेगमेंट में आपको एथर 450X के अधिकतर सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, वही बॉडी देखने के लिए मिल जाती है, वही परफॉर्मेंस, वही निम्बलनेस देखने के लिए मिल जाती है। दैट इज़ अमेजिंग इन माई ओपिनियन। सो लेट मी गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ दिस स्कूटर। सो आपको आगे की तरफ एथर ब्रांडेड LED हेडलाइट देखने के लिए मिलता है, विच लुक्स गॉर्जियस इन माई ओपिनियन विद दोज डे टाइम रनिंग लाइट्स। सो ये आप LEDs देख सकते हैं जो आगे की तरफ हैं। दीज आर द इंडिकेटर्स, LED, स्लीक एंड सेक्सी लुकिंग, एंड उसके साथ आपको आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा विद दैट 90x90 12 इंच अलॉय व्हील एट द फ्रंट विद MRF टायर। सो ट्यूबलेस टायर आता है ये, एंड उसके साथ आपको बाइब्रेक कैलिपर्स वाला ट्रिपल पिस्टन डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विच इज़ 200mm, विच अगेन इज़ गुड फॉर द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, सो वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें आपको एडिशनल फीचर्स में TPMS देखने को मिल जाता है, जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर है जो आप अलग से लगा सकते हैं, एंड ये जो फ्लोर बोर्ड है इसमें आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। सो दिस स्कूटर द 450S कम्स विद अ 2.9 kWh बैटरी विच इन विच द कंपनी इज क्लेमिंग अ ट्रू रेंज ऑफ 90 km। सो सर्टिफाइड क्लेम इज समवेयर अराउंड 115, बट आपको रियल वर्ल्ड में 90 km के आसपास आ जाएगा इसमें। एंड हम इसको 4 दिन से चला रहे हैं, एंड स्पोर्ट मोड, राइड मोड एंड स्मार्ट इको मोड के मिक्सचर में हम चला रहे थे। सो आई वॉज यूजिंग दिस फॉर कम्यूटिंग, थोड़ा बहुत आउटिंग भी मैं गया था, एंड द रेंज विच आई गॉट रियल टाइम रेंज वॉज समवेयर अराउंड 80-85 km। सो दैट इज़ अगेन गुड, बिकॉज रियल टाइम रेंज से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है वो, सो बहुत अच्छी बात है। सो द बैटरी इज़ इन द फ्लोर बोर्ड विच मेक्स इट यू नो ईजी टू कंट्रोल, एंड काफ़ी ज़्यादा इसका जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है, बिकॉज जो पूरा वेटेज है वो गाड़ी का मिडिल में है, सो आपको कंट्रोलिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ये एल्यूमिनियम एंड स्टील के एक कम्बाइंड चेसी के साथ आता है, सो मिक्सचर ऑफ द चेसी, सो एक्सपोज चेसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, ऑरेंज कलर है, काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। एंड एथर ने एक स्मार्ट वर्क किया है, सो दीज विच यू सी ओवर हियर आर द गार्ड्स। सो एथर ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग किया था एंड उनको ये रियलाइज़ हुआ कि कहाँ कहाँ स्कूटर गिरता है तो डैमेज होता है, सो एक स्लीक एंड सेक्सी लुकिंग बॉडी प्रोटेक्टर उनने देने का ट्राई किया है। सो दिस इज़ आई थिंक एडिशनल आप लगा सकते हैं, सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है ओवर हियर, हियर एंड ओवर हियर। सो एथर का ब्रांडिंग एंड 450S यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, 450S अगेन यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है आपको, एंड जो आपके पास रियर पिलियन के लिए फुट रेस्ट यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। एंड कमिंग टू द रियर यू गेट अ मोनोशॉक विच इज़ अगेन गुड, आपको स्टेबिलिटी एंड सिटी राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। पीछे वाला टायर अगेन इज़ 90x90 12 इंच अलॉय व्हील, रबर इज़ फ्रॉम MRF जैपर्स देखने को मिलते हैं, एंड पीछे अगेन आपको पेटल डिस्क देखने को मिलता है सिंगल पिस्टन कैलिपर्स के साथ, एंड दिस इज़ 190mm। सो आपको जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है इसमें, जो आपके लेफ्ट लीवर से ऑपरेट कर सकते हैं आप, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड ओवरऑल गाड़ी देखने में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट, काफ़ी ज़्यादा स्लीक, स्टाइलिश देखने को मिल जाती है आपको। एंड नाउ कमिंग टू द रियर सेक्शन, सो यू गेट दैट एथर ब्रांडिंग LED, ऑल LED एज वेल, सो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड दिस इज़ अ बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल, मोटर जो है वो एकदम मिडिल में प्लेस्ड है, सो बेल्ट ड्रिवन है, पुली सिस्टम है, तो काफ़ी अच्छा टॉर्क देखने को मिलता है आपको, 22 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है ये गाड़ी विच इज़ अमेजिंग इन माई ओपिनियन। एंड यू हैव अ जॉयस्टिक ओवर हियर, सो दिस 450S नाउ कम्स विद अ न्यू डीप व्यू डिस्प्ले विच इज़ 7 inches, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यू गेट लोड्स ऑफ मोड इन दिस, सो स्मार्ट इको है आपके पास, सो यू हैव जॉयस्टिक्स टू ऑपरेट,
सो यहाँ पे आप मोड बटन चूज कर सकते हैं. सो यू हैव द राइडिंग मोड ओवर हियर, स्पीडोमीटर, द साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, मोटर ऑफ एंड सेंसर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टाइम यहाँ देखने को मिल जाता है. एंड ये जो बार्स देख रहे हैं आप, ये ईच बार रिप्रेजेंट्स 10%, तो 10 बार्स हैं टोटल. सो अभी 90% का इसमें कैपेसिटी है. सो 90% बैटरी चार्ज्ड है. एंड स्मार्ट इको मोड में इट्स शोइंग अ ट्रू रेंज ऑफ 84 किलोमीटर्स. एंड जैसे आप राइडिंग मोड्स चेंज करते हैं कि ऑटोमेटिकली अडाप्ट कर लेता है, उस हिसाब से आपको रियल टाइम रेंज दिखा देता है. एंड यू हैव ओडो एंड एवरीथिंग ओवर हियर. एंड यू हैव अ जॉयस्टिक जिससे आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं इसको. सो आपके पास शट डाउन, होल्ड, सॉफ्टवेयर वर्जन, इनकॉग्निटो मोड, यू हैव गाइड मी होम. सो वॉट बेसिकली इट डज इज, आप जब गाड़ी ऑफ कर देंगे तो हेडलाइट कुछ सेकेंड्स के लिए चालू रहता है टू हेल्प यू नेविगेट थ्रू द डार्कर एरियाज. एंड उसके साथ ऑटो इंडिकेटर्स ऑन एंड ऑफ आता है इसमें. सो इफ़ यू हैव लेट्स से पुट अ लेफ्ट इंडिकेटर एंड लेफ्ट लेने के बाद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, दैट्स अ स्मार्ट फीचर. एंड स्मार्ट इको मोड इज बेसिकली स्मार्ट इको ऑन ऑफ करता है. सो स्मार्ट इको मोड इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसके बारे में जब मैं राइड करूँगा तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. एंड फॉल सेफ इज बेसिकली अगर गाड़ी आपका गिर गया तो आपका गाड़ी थ्रॉटल देने पे ऑपरेट नहीं होगा. इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स दैट गाड़ी जो है गिर चुका है एंड जो एक्सीलेटर है वो उसको अनयूजेबल बना देता है. तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा जिसको आप जब तक ओके नहीं करते तब तक आपका एक्सीलेटर ऑपरेट होना स्टार्ट नहीं होगा. दैट्स अ सेफ्टी फीचर, दैट इज़ गुड. कोस्टिंग रीजन इज़ बेसिकली रीजनरेटिव पावर जनरेशन. तो जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ते हैं इसका तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिचार्ज करता है बैटरी को टू गिव यू मोर रेंज, सो दैट्स ऑल्सो गुड. एंड ऑटो होल्ड इज़ हिल क्लाइंब कंट्रोल. सो अगर जैसे आप स्टीप हिल पे खड़े हैं या नीचे खड़े हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके गाड़ी आगे या पीछे नहीं जाने देगा. सो ये भी मैं आपको जब राइड करूँगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा. एंड सेवन व्यू, 7 इंच का जो डीप व्यू डिस्प्ले है दैट इज़ ऑल्सो गुड. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाता है आपको, म्यूजिक कंट्रोल्स, टर्न बाई टर्न नेविगेशन एंड कॉल कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं विच यू कैन डू फ्रॉम हियर विद द जॉयस्टिक. एंड ये आपके पास हाई बीम लो बीम का स्विच है, इंडिकेटर्स, दिस द हॉर्न एंड जो की है वो आपकी यहाँ पे लगती है. एंड चार्जिंग के लिए यू हैव द ऑप्शन ओवर हियर. सो आई जस्ट ओपन द डिग्गी रियल क्विक. एंड जैसे ही आप डिग्गी स्पेस खोलेंगे सो गेट अ 22 लीटर्स का स्पेस ओवर हियर विद द पोर्टेबल चार्जर जो इस बैग में है, विद दो सेक्सी लुकिंग LED लाइट्स विच गिव्स यू एंड हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ डार्कर एरिया जब आप रात में हैं. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली यू हैव पुट योर स्टफ इन द डिग्गी, सो आपको ये बहुत हेल्प करता है. एंड 450S LR का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने मिल जाता है, चेसी जैसा बताया, एक्सपोज्ड है थोड़ी सी यहाँ पे, अगेन लुक्स गुड. सो ये जो स्कूटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बिकॉज जिस प्राइसिंग में आती है, जिस फिट एंड फिनिश के साथ ही आती है, काफ़ी अमेजिंग है. सो इसका एक क्विकली मैं आपको राइड रिव्यू बताता हूँ बिकॉज आई हैव बीन टेस्टिंग दिस व्हीकल फ्रॉम लास्ट 4-5 डेज एंड उसमें मेरे को काफ़ी कुछ है बताने के लिए आपको इन टर्म्स ऑफ राइडेबिलिटी. द राइड क्वालिटी ऑफ द न्यू एथर 450S इज अमेजिंग. अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों. सो आई एम 5'10", 5'11" इन हाइट एंड काफ़ी कंफर्टेबल है ये स्कूटर बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट नेचर. एंड मेरे को लेग स्पेस भी काफ़ी है, फ्लोर बोर्ड पर मेरे पैर रखे हुए हैं, देर इज़ नो क्रैम्पिंग सिचुएशन एज सच फॉर मी. सो कोई भी है जो मतलब 5'10", 5'9" है वो भी इसको आराम से चला सकता है. इवन फॉर यू नो पीपल हु आर टॉल दिस इज़ प्रीटी कम्फर्टेबल फॉर देम एज वेल. एंड दिस इज अ सीट हाइट ऑफ 780 mm विच अगेन मेक्स इट गुड फॉर एनी वन हु इज़ अबव 5'5", 5'4" इन माई ओपिनियन बिकॉज आपको आराम से पैर जो है वो फ्लैट फुट नीचे आ जाएंगे. एंड दिस इज़ अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 170 mm विच कैन टैकल बैड पैचेस ऑफ रोड, स्पीड बम्पर्स, अगर आप रूलर हैं नर्बर यू नो रोड्स पे चला रहे हैं तो भी आराम से उसको टैकल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स गुड ग्राउंड क्लियरेंस. सो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी. प्लस इसका जो वेट है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट लाइट. सो 108 kilos ये वे करती है गाड़ी एंड विद अ वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो इसका बॉडी है उससे आपको हेल्प क्या होता है कि आप अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं या सिटी में चल रहे हैं काफ़ी ट्रैफिक है, इवन दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट बिकॉज आप आराम से इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं. इज़ अ वेरी गुड वेरी लेस टर्निंग रेडियस, सो हैंडल काफ़ी घूम जाता है विच अगेन मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर एनी राइडर हु इज़ राइडिंग दिस, दैट्स अ गुड थिंग. प्लस दिस कम्स विद 3 modes एज आई टोल्ड यू, स्पोर्ट, राइड एंड स्मार्ट इको. स्मार्ट इको एंड ईको आप स्विच कर सकते हैं. सो स्मार्ट इको काफ़ी यूजफुल है बिकॉज दैट गिव्स यू बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. सो आपको अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी मिलता है प्लस यू गेट द बेस्ट रेंज. सो अगर मैं इसको स्मार्ट इको पे रखूँ सो मेरे को जो स्पीड है वो अराउंड 40-50 के बीच में मिलती है एंड वो काफ़ी यूजेबल है इन टर्म्स ऑफ सिटी राइडिंग. एंड उसके साथ अब मेरे को जो रेंज मिलता है वो भी क्लोज टू 85-90 के आसपास मिल जाता है, रियल टाइम रेंज की बात मैं कर रहा हूँ आपसे. सो नाउ द रेंज विल डिफर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वेट इज़ देयर ऑन दिस मशीन. सो अगर आप पिलियन के साथ चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा रेंज कम हो जाएगा, बट अगर आप सोलो चला रहे हैं तो आपको अच्छा रेंज देखने के लिए मिलेगा. बट आई अगेन पुट दिस
on sport mode because that's the most fun part about the scooter. Plus, अगर आपको modes change करने हैं तो आपको throttle छोड़ के फिर modes आप चलाते हो, change कर सकते हो, that's a good thing. Plus, this gets Bluetooth connectivity, turn-by-turn navigation and call control. So, वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा जैसे आप Ather app से connect करेंगे इसको. एंड इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छा है. सो यू गेट टेलीस्कोपिक एट द फ्रंट, मोनोशॉक एट द रियर. सो काफ़ी अच्छा आपको सिटी कंट्रोल दे देता है एंड सिटी राइडिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है. प्लस जो पिकअप है इसका 22 nm टॉर्क पे, दिस हैज़ अ सीरियस पिकअप एंड सीरियस स्पीड. सो अगर आप सिटी में भी चल रहे हैं, ओवरटेकिंग इज़ अ पीस ऑफ केक ऑन दिस इफ़ यू आर यूजिंग द स्पोर्ट मोड ऑन दिस स्कूटर. प्लस द ब्रेक्स आर प्रीटी गुड. सो आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है जो आप लेफ्ट हैंड वाले लीवर से यूज़ कर सकते हो. लेफ्ट वाला अगर आप ब्रेक दबाते हैं यू विल फील दैट बोथ द ब्रेक्स आर एंगेजिंग, एंड राइट वाला दबाएंगे तो ओनली द फ्रंट इज व्हाट गेट्स एंगेज्ड. एंड टॉप क्वालिटी टॉप स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है. 90 किलोमीटर मैं खुद से टेस्ट किया था, 90 तक आराम से जाती है गाड़ी स्पोर्ट मोड पे. एंड काफ़ी स्टेबल रहती है, ऐसा नहीं कि गाड़ी स्ट्रेस कर रही हो. इट हैज़ दैट कैपेसिटी टू गो 90, आप 90 पे चल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपके पास एम्प्टी रोड्स हैं, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप आराम से इसको लेके चल सकते हैं 90 पे भी. एंड इसका जो कंसोल है वो भी काफ़ी अच्छा है, 7 inch का कंसोल है. डे लाइट में भी काफ़ी अच्छे से विजिबल होता है. सो राइट नाउ इट्स 4:45 इन द इवनिंग एंड वी स्टिल हैव सन विच इज़ ऑन टॉप. सो विजिबिलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ नॉट द सेम कंसोल विच यू गेट ऑन द Ather 450X, बट कंसिडरिंग दिस इज़ अ अफोर्डेबल स्कूटर, दिस ऑल्सो हैज़ सम सीरियस फीचर्स. तो आपको हिल क्लाइम कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं इसमें, आपको इसमें रीजनरेटिव पावर प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है. तो जैसे ही मैं थ्रॉटल छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो पावर है उसको रिसाइकिल कर रहा है, एंड यू नो द बैटरी इज़ गेटिंग चार्ज्ड. सो वो भी एक अच्छी चीज़ है. तो सारे स्मार्ट फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. प्लस इसका जो कोर वेरिएंट है उसमें आपको कुछ बेसिक फीचर्स ही देखने के लिए मिलते हैं जो 1,37,000 ऑन रोड पे आता है. Ather एक प्रो पैक बेचता है उसके साथ विच यू हैव टू यू नो बाय ओनली फॉर वंस. सो लाइफ टाइम चलता है आपका, 15,000 rupees में आता है 450S का. वारंटी जो है इसकी वो 3 years 30,000 kilometers की कंपनी देता है कोर वेरिएंट में. बट अगर आप प्रो वेरिएंट ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपकी जो वारंटी है वो 5 years 60,000 kilometers की हो जाती है, विच इंक्लूड्स द स्कूटर एज वेल एज द बैटरी पैक. सो बैटरी जो है IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, तो बारिश में भी इसको एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. बिकॉज 450X जो Ather की है उसको हमने कुछ साल पहले रिव्यू किया था एंड वी वर इम्प्रेस्ड बाई द क्वालिटी ऑफ राइडिंग, द परफॉर्मेंस एंड जो ओवरऑल गाड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे. तो अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है तो उसका लिंक मैं ऊपर की तरफ दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं. बट 450S इज फॉर समवन हु थिंक्स दैट 450X जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है उनके लिए, एंड उनको ऐसा एक स्कूटर चाहिए जो थोड़ा 1.5 lakh के अंडर आए ऑन रोड. सो 450S इज टारगेटेड टूवर्ड्स दोज कंज्यूमर्स, बिकॉज ये वो सब कुछ कर सकती है जो Ather 450X कर सकती है, बट एट अ यू नो मच अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. प्लस जो इसका स्विच गियर क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो गुड. सो यू गेट द किल स्विच ओवर हियर, आपको यहाँ पे रिवर्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसमें आपको रिवर्स असिस्टेंस भी देखने के लिए मिलता है. तो जैसे मैं गाड़ी रोकता हूँ एंड मेरे को अगर जैसे पार्क करनी है तो मैं ये बटन दबाऊंगा, दिस विल गो यू नो स्टार्ट गोइंग बिहाइंड, एंड एक्सेलेटर से आप इसको पीछे ले जा सकते हैं. तो जैसे आप थोड़ा सा इंक्लाइन या डिक्लाइन पे खड़े, एंड इफ़ यू वांट टू पार्क योर व्हीकल सो दिस विल हेल्प यू. नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्किंग, सो यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स. ऑटो होल्ड व्हाट इट बेसिकली डज इज अगर आप स्लैंड पे खड़े हैं डिक्लाइन या इंक्लाइन पे, सो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है. यहाँ पे आपको AS देखने के लिए मिल जाएगा एंड दिस विल यू नो कीप द व्हीकल ऑन दैट वे इटसेल्फ, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, टू गिव यू एन कम्फर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस. सो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट इन माई ओपिनियन. प्लस इसमें काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे कि आप जैसे गाड़ी से गिर जाते हैं या गाड़ी आपकी गिर जाती है तो गाड़ी का थ्रॉटल अपने आप कट ऑफ हो जाता है एंड दिस विल शो अ मैसेज दैट फॉल हैज़ बीन डिटेक्टेड. एंड अगर कोई गाड़ी उठा रहा है एंड गलती से थ्रॉटल घुमा देता है सो द थ्रॉटल विल नॉट वर्क. सो दैट्स अगेन अ सेफ्टी फीचर. सो अगेन मैं डिक्लाइन पे हूँ, इसने ऑटो होल्ड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया विच इज़ अ गुड थिंग. एंड जैसे ही मैं थ्रॉटल करूँगा अपने आप ऑफ हो जाएगा एंड वील कीप ऑन गोइंग. सो आई वॉज गेटिंग समवेयर अराउंड 80-85 किलोमीटर का रियल टाइम रेंज
इस गाड़ी से विद अ मिक्स ऑफ स्पोर्ट राइड एंड स्मार्ट इको मोड. स्मार्ट इको मोड में ज़्यादा यूज़ कर रहा था बिकॉज आई वॉज राइडिंग इन द सिटी एंड मेरे को टेस्ट करना था कि उसमें कितना रेंज मिल जाता है अगर मैं ट्राई करूँ कि इसमें मतलब यू नो 100 से लेके मैंने 5 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा था तब मैंने इसको चार्ज पे लगाया था. एंड इसमें आपके पास दो चार्जिंग ऑप्शन है. सो ईदर यू कैन पुट इट ऑन द एथर ग्रिड जो आपको पैन इंडिया काफ़ी सारे एथर ग्रिड के आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगे. वहाँ पे आप इसको चार्ज पे लगा सकते हैं विच बेसिकली टेक्स 1.5 किलोमीटर पर मिनट के स्पीड से चार्ज होगा वो. एंड अगर आप होम चार्ज करें सो आपको जो पोर्टेबल चार्जर मिलता है उससे आप ओवरनाइट चार्ज करेंगे सो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. सो रात में अगर आपने लगाया मॉर्निंग तक दिस विल बी 100% एंड उस टाइम पे लॉक हो जाता है यहाँ पे आपका चार्जर लगता है. एंड यहाँ पे आपको बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा 80 होने में एंड कितना टाइम लगेगा 37 या 35 किलोमीटर्स चार्ज होने में. सो पूरा स्मार्टली ये दिखा देता है. OTA अपडेट्स मिल जाते हैं इसमें आपको, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है. प्लस अगर जैसे आप इसमें स्पीड में चल रहे हैं एंड आपने पैनिक ब्रेकिंग की तो अपने आप इसके जो हैजार्ड लाइट्स हैं वो जलने लग जाएंगे टू इंडिकेट द यू नो राइडर बिहाइंड यू कि भाई हुआ है पैनिक ब्रेकिंग हुआ है. सो बी केयरफुल विद दिस व्हीकल. सो कुछ कुछ जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो एथर ने इसमें काफ़ी अच्छे से ऐड किए हुए हैं. प्लस ये जो जॉयस्टिक है इससे ही आप अपना म्यूज़िक कंट्रोल, कॉल कंट्रोल सब कुछ देख सकते हैं. यू हैव इंडिकेटर्स ओवर हियर एंड हॉर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. एंड ऑल्सो द मिरर गिव्स यू अ वेरी गुड व्यू व्हाट्स रनिंग बिहाइंड. काफ़ी बड़े साइज़ के मिरर दिए हुए हैं इसमें. एंड आपको यहाँ पे एक बैग हुक कर देखने के लिए मिलता है जो नीचे की तरफ है. आप इसमें अपना बैग वगैरह यू नो यू कैन टक इट इन एंड यू नो प्लेस योर बैग ओवर हियर इफ़ यू आर कम्यूटिंग एंड एवरीथिंग एनीथिंग लाइक दैट. प्लस एक दो चीज़ें जो मेरे को लगी जो और इम्प्रूव हो सकती हैं इस एथर में इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लैक्स दैट USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट. सो अगर एक USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट हो जाता तो और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता. दैट इज़ समथिंग विच आई फील इज़ मिसिंग. एंड सेकेंड थिंग इज़ ये जो नया डिस्प्ले है इस पर डस्ट बहुत जल्दी बैठ जाती है. सो नाउ इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी जहाँ पे थोड़ा डस्टी सिचुएशन है वहाँ पे आपको हो सकता है ये 2-3 दिन में क्लियर करना पड़े. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डस्ट देखने के लिए मिल जाएगी. सो दिस डजंट हैम्पर बट थोड़ा सा आपको डस्टी सा सिचुएशन देखने के लिए मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले बट विजिबल रहता है. सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स इफ आई वॉन्ट टू निट पिक दीज आर द थिंग्स विच आई वुड निट पिक. 1.5 लाख के आसपास ऑन रोड अगर आप प्रो वेरिएंट लेते हैं उसमें दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट. रीजन बीइंग एथर इज़ अ वेरी वेल नोन कंपनी फॉर इट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहते हैं. काफ़ी ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट है, गुड क्वालिटी देता है एथर. बिकॉज 450X भी मैंने जब चलाया था आई वॉज इम्प्रेस बाय द परफॉर्मेंस, द ओवरऑल राइड क्वालिटी एंड एज अ प्रोडक्ट जो एथर 450X थी एंड सेम इज़ विद द एथर 450S. सो ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी लगी मेरे को. सो मैं जब 3-4 दिन से चला रहा था जब मैं बाइक चलाने गया तो मेरे को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लगा बिकॉज इतनी ईजी टू यूज़ है ये एंड कॉस्टिंग भी कम पड़ता है. सो एज इट्स इन इलेक्ट्रिक यू आर सेविंग लॉट ऑन द फ्यूल. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई और गाड़ी का रिव्यू चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. ये वीडियो के लिए इतना ही था. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय.